हाय, कौन सा गाना लगाया? 90s बिलीवर। अच्छा लगा, मस्त है एकदम। ये खून का पानी है इस बॉटल में जो मैं पी रहा हूँ। ओनली 3.2 किलोमीटर, 4 मिनट बचे पहुंचने के लिए। आशेरी गार्ड किती अजून म्हणजे सरळ आहे, माहीत पडेल ना, असं काय टेन्शन नाही ना। और ये है नेशनल हाईवे NH 48, और यहाँ पे आगे चारोटी है, और मैं आया हूँ मस्तान नाके से। यहाँ से 1.2 किलोमीटर है, चलो देखते हैं शेरिफ फोर्ट कैसा है। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। आई एम कमिंग। जब यहाँ पर आप आओगे, छोटा सा किराना स्टोर भी है। क्या बोलता मित्र, मजे ना वर्ती कितनी टाइम लगता है? तो अब मुझे ऊपर जाने के लिए 1 घंटा लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और मेरी बाइक मैंने यहाँ पे पार्किंग की है, तो यहीं पर है, मैं आता हूँ जाके। यहाँ से एंट्री है, ट्रैकिंग तो आगे से स्टार्ट होगी। इंटरेस्टिंग एंट्री है, देखिए जमीन उखड़ चुकी है और ट्री ऊपर आ चुके हैं। सीरियसली कुछ अलग ही देखने मिल रहा है। फुल ऑन जंगल, कहां से कोई शेर ना आ जाए। नहीं, शेर तो नहीं हो गया, पर डॉग ही दिख गया मुझे। हाय ब्रो, रैबिट ससा ट्री प्लांटेशन। ये किसका घर है? कोई बात नहीं, चलो बनाया तो रेस्ट कर लेते। 2 मिनट भी स्टार्ट करके हुए नहीं, और यहाँ पर मैं रेस्ट ले रहा हूँ। शेम ऑन यू। मैं लेट्स मूव, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करने के लिए। अरे भाई तू निकल जा इधर से। बाय बाय। वाओ, व्हाट एन आर्ट। बट सच में दिल से सैल्यूट आर्टिस्ट को, काफ़ी अच्छा बना है। वैसे तो जब आप अंदर एंटर करोगे तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, पर डरने की कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत काफ़ी अच्छे से इस फोर्ट पे ध्यान दिया है, जगह जगह पे मारा है, कहाँ से कैसे जाना है, कोई भी यहाँ पे रास्ता भटक नहीं सकता है 100% श्योर। कचरा डम करने के लिए बनाया है, वेरी नाइस। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ पसीना आना शुरू हो गया है, और मॉर्निंग में ये पहना था ये मुझे निकालना पड़ा। मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी, कमर पे बांध लेता हूँ। बट आई एम रेडी, लेट्स मूव।
जंगलों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता फोर्ट की तरफ। कोबरा, अरे सारा भी हिलने लग गया, बस थोड़ा ही बाकी है अभी। और यहाँ पर मैं आऊँगा फोर्ट पर, आपको अभी इधर से नज़र नहीं आएगा ये सन के रिफ्लेक्शन की वजह से। थोड़ी एनर्जी ऊपर के लिए भी बचा के रखनी है, सब इधर ही ख़त्म कर दूंगा तो ऊपर एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। आप वो ट्री देख सकते हो, तेज हवाओं के कारण ये उखड़ गया होगा। काफ़ी टफ है चढ़ान थी, जो स्टोन से भरी हुई है। 10 to 15 मिनट का जो स्टार्ट है वो इतना टफ नहीं है, बट आप 50% फोर्ट कवर कर लोगे ना तो एंडिंग का जो पार्ट है वहाँ पे थोड़ी चढ़ान है। सूर्य देवता की रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ चुकी है और लोगों की आवाज़ आ रही है, बहुत जल्द किसी से मेरी मुलाकात होने वाली है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी है, बिकॉज़ यहाँ की चढ़ान थोड़ी ऊँची है, इस वजह से सपोर्ट दिया है कि वो पकड़ के आप ऊपर चढ़ सको। हेलो, कहाँ से आए हो? फोर्ट कैसा है? अब तक गए नहीं, आप लॉगिंग कर रहे हो क्या? अच्छा आ जाओ। ढानू से एक ग्रुप आया है जो कि अब तक ऊपर नहीं गए, स्पॉट पे एंजॉय कर रहे हैं, थोड़े टाइम में आगे जाएंगे। लुक हाउ दे आर एंजॉयिंग। एंजॉय गाइस, मिलते हैं ऊपर, चलो बाय। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ खूबसूरती और बढ़ते जा रही है। और यहाँ पर एक मुझे छोटी सी केव नजर आ रही है, ये खूब सा रास्ता है, यहाँ से जाके उस साइड से निकलता होगा। मे भी ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो। फोर्ट में काफ़ी गुप्त रास्ते होते हैं तो ये उसमें से एक हो सकता है। इस फोर्ट की मैंने इन्फॉर्मेशन थोड़ी ली है, 800 साल पुराना इतिहास है ऐसा मैंने गूगल पे देखा, और काफ़ी लोगों ने इस फोर्ट पे राज किया है, राजाओं ने, पोर्तुगीज़ ने, मराठास ने, और आज़ादी के बाद ये फोर्ट महाराष्ट्र सरकार के अंदर आ गया। इस फोर्ट से सभी फोर्ट पर नजर रखी जाती थी, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी पहाड़ दिख रहे थे। बट टॉप पे से पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे नजर रखी जाती थी, यहाँ से प्रॉपर व्यू नहीं मिल रहा है तो ऊपर जाके देखते हैं। तो पहले मैं पहुँचता हूँ ऊपर, तो मैं इसका सहारा लेते हुए चढ़ता हूँ, एंड यू कैन सी अमेजिंग नेचर। और ये स्टेयरकेस से चढ़ के मुझे ऊपर जाना है, इसकी भी कुछ हिस्ट्री है मैं आपको बताता हूँ। और वहाँ पर हाईवे है, उस हाईवे से मैं आया हूँ और वहाँ से पास होते हुए, और यहाँ पे मेरी बाइक मैंने पार्क की है इस एरिया में। इसका हुआ ये सपोर्ट लगाए हैं कि यहाँ से डायरेक्ट नीचे की खाई नज़र आती है, तो ये सपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल है। बी केयरफुल चढ़ते वक्त, इनकी निशानी यहाँ पर छोड़ गए पुर्तगीज। और इस लैडर का, इस स्टेयरकेस का हिस्ट्री कुछ इस तरह है, ब्रिटिशर्स लोगों ने का जो रास्ता वो बंद कर दिया था, मराठास ने इस फोर्ट को कैप्चर कर लिया, उस वक्त उन्होंने यहाँ पर रास्ता बनाया। और जब ये आज़ादी के बाद ये फोर्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर जब आ गया, तब उन्होंने ये स्टेयरकेस लगाई ताकि सेफली इस फोर्ट पर चढ़ सके। ऐसा फोर्ट मस्त है, अच्छा है, बहुत मस्त है। अरे वाह, मुंबई से निकले कभी? 3 बजे रात को। ग्रेट यार, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है तेरा?
स्लो संभल के जा, बी केयरफुल। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे ज्यादा संभाल के आओ। बस और 5 मिनट आई विल बी ऑन टॉप ऑफ आशेरी फोर्ट, मावळा प्रतिष्ठान, किल्ल्याकडे जाणारा मार्ग ये साइड जाना है। तो गाइस फोर्ट पे आने के बाद डोंट स्मोक सीरियस, क्योंकि स्मोक करने से क्या फॉरेस्ट में आग लग सकती है, काफ़ी नुकसान हो सकता है यहाँ पर। एंड फाइनली आई एम ऑन टॉप, प्राचीन काल में जो तोफ यूज़ की जाती थी दुश्मनों पे हमला करने के लिए, उसके यहाँ पे 3 पार्ट बचे हैं। इसमें बारूद भरकर दुश्मनों पे हमला किया जाता था, काफ़ी मूवीज़ में आपने देखा होगा। फोर्ट पर मेरा एक फ्रेंड बन चुका है, इसका नाम है आचल मनियार। आचल मनियार, तो हमारे यहाँ पे दोस्ती हो चुकी है। तो यहाँ पे बड़ा सा टेम्पल है, और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो है, तो हम उनके दर्शन लेंगे। सबसे पहले शूज़ निकालेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। टेम्पल से मैं निकल चुका, अभी देखते हैं आगे क्या है। जितने भी फोर्ट्स है उन फोर्ट पे नज़र रखी जाती है इस फोर्ट से, इसलिए इसे कैपिटल माना जाता है। वो बात सही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि सब माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं यहाँ से। हाय कुडे तो वहाँ पे मुझे जो झंडा नज़र आ रहा है उस स्पॉट पे मैं जाता हूँ अभी, वहाँ का व्यू देखते हैं। सो लेट्स गो देयर। एंड यू कैन सी द हाईवे। काफ़ी अच्छा व्यू देखने मिलता है, ये लास्ट स्पॉट है इस फोर्ट का, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको भी ये फोर्ट ज़रूर पसंद आएगा, आप भी एक बार विज़िट कीजिए यहाँ पर। अब मैं निकल रहा हूँ फोर्ट से, यही तक था आशेरी फोर्ट, तो रिटर्निंग की जर्नी स्टार्ट। बहुत टाइम ले लिया तुम लोगों ने आने के लिए, काफ़ी रेस्ट कर लिया। अच्छा डांस में एनर्जी गाला ही लगता है। चलो ऑल द बेस्ट, चलो बाय, टेक केयर बाय बाय बाय। मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ पे एक पानी का कुंड है जो पानी हम पी सकते हैं, तो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है वो कुंड, दिखते हैं वहाँ पर जाके। मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे रास्ता बता रहे कि पानी का कुंड कहाँ पे है। क्या पानी नहीं पी सकते हम? अच्छा तो इधर ये पानी पी सकते हैं सर बोल रहे हैं। ये कुंड का पानी है इस बॉटल में जो मैं पी रहा हूँ। थैंक्स सर, पानी धागा सा डेल नहीं पालकर हो रहा पर। चलो मग तुम्हें एंजॉय करा। गुफ्त गुफा, आई थिंक सो उधर की जो गुफा है वो इधर से निकलती है। काय मित्रांनो बरे है ना? काफ़ी बड़ा ट्री है। हेलो हेलो,
अभी आपको लगेगा और हाफ एन आवर। कहाँ से आए तुम लोग? कौन सा गाना लगाया? अच्छा लगा, मस्त एकदम एनर्जी वाला। आप कहाँ से आए? मैं पालघर, पालघर। चलो एंजॉय, बाय। सब खाने की तैयारी ऊपर। अरे वाह, मोटा ग्रुप है। कुठून आले तुम्ही? मुंबई आले। ग्रेट, एन्जॉय, हॅव फन। बिग ग्रुप, स्टेजचा प्लॅन आहे का? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कट चालू केलं आहे, गट चालू केलं। काय बोलता, वरून आले का? चालले, अच्छा सामान चढवायला। अरे वा, म्युझिकल बॅग। कुठून आले तुम्ही? बोईसरवरून। कसं वाटलं फोट? मस्त, सकाळ सकाळ भारी। किती वाजता आले रे तुम्ही? 7-6 आलेले। अच्छा, कॉलेज ग्रुप? हो। रही मेरी बाईक, मी प्यास लगी ऐसा लग रहा है, पानी पी जाओ। बट अभी वहाँ पे किराना स्टोर है, वहाँ से अब बॉटल ले लेता हूँ पानी की। हो चुका हूँ मेरे बाइक के पास और पूरी तरह से मैं फोर्ट उतर चुका हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो गाइज, इसी के साथ श्रीगढ़ की जर्नी यहाँ पे ही ख़त्म होती है। और श्रीगढ़ को भी प्यार देना, यहाँ पर विज़िट ज़रूर करना। और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ आशेरीगढ़।